हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर सेफ। और आज का अपने वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि मेरा जो सैडल स्टे है उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देता हूँ कि ये सैडल स्टे कौन से कंपनी का है एंड ऑल। तो बेसिकली ये JB रेसिंग का है एंड इसका जो वेट है वो 1200 ग्राम है, 1.2 kg। और आज मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसा रहा है मेरे राइड का एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो प्लेट है ये इसके साथ नहीं आई है, ये प्लेट टॉप बॉक्स के साथ आती है एंड इसको यहाँ से कुछ भी सपोर्ट नहीं है। नॉर्मली यहाँ से एक रॉड रहता है हर सैडल स्टे या टॉप रैक के साथ, तो इसको बिल्कुल भी दिया नहीं गया है। तो क्या होता था कि जब भी मैं राइड करता था तो हमेशा टॉप बॉक्स जब इसके ऊपर रखता था तो ये हिलता था, जैसे आप देख पा रहे हो अभी ये इतना हिलता था। और मुझे डर इसी बात का था कि ये कहीं से यहाँ पे क्रैक आ जाए या फिर ये वेल्डिंग जो है वो निकले ना, और वही हुआ है सेम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से क्रैक गया है, देखो ये क्रैक दिख रहा है। एंड नसीब से इस पे टॉप बॉक्स नहीं था उस टाइम पे जब ये क्रैक हुआ। तो आप क्वालिटी देख सकते हो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये जस्ट पाइप है। ये बोलो सेम वो साइड भी सिर्फ पाइपिंग है, अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। ये देखिए बस। और ये ऑटोमेटिक हुआ है, ना कुछ मेरा एक्सीडेंट हुआ, ना किधर मैंने ठोका है, ना किसने आके ये तोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। एक राइड पे गया था मैं विदाउट टॉप बॉक्स और ये आवाज़ करने लगा था, तो मुझे अंदर लगा टूल किट का आवाज़ रहेगा, लेकिन बाद में मालूम पड़ा, रुक के देखा तो ये टूटा हुआ था। एंड तभी फिर मुझे समझा कि इसका ये प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल भी क्वालिटी का नहीं है। और इसको मैं यहाँ से वेल्डिंग कराने का अगर सोचता भी तो भी इसमें गैस वेल्डिंग लगता था, तो उसमें फिर रिस्क ऐसा था कि इसका जो बोल सकते कि स्ट्रांगनेस जो है वो और कम हो जाता था, क्योंकि इसमें शायद से होल पड़ता था और उस होल की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है वो और कम हो जाता था। इसके लिए अभी इसको मैं मोस्टली चेंज करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्विच इट टू मोस्टली मैकडील्स। तो JB रेसिंग का अगर आप प्रोडक्ट ये ले रहे हो, सोच रहे हो लेने का, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करो। ये बिल्कुल भी भारी के लिए नहीं है और अच्छा हुआ कि इस पर टॉप बॉक्स नहीं था ये जब टूटा था। अगर टॉप बॉक्स रहता तो टॉप बॉक्स का भी नुकसान हो जाता था और पीछे जो गाड़ी रहती थी उसका भी नुकसान होने के चांसेस थे। और मैंने इसको सिर्फ ख़रीदे हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने के अंदर ये रिज़ल्ट है। सो यू कैन इमेजिन दैट कि ये कैसा है। बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और इसका जो थिकनेस है पाइप का वो भी बहुत कम है, इसको यहाँ से भी सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो कभी भी इस पर अगर आप सैडल बैग भी डाल दो तो ये ऐसे साइड में भी हिलेगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो कि सभी भी आप सैडल स्टे या टॉप रैक लो तो इसको यहाँ से कनेक्शन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे भी एक कनेक्शन रहेगा रॉड का, ताकि वो एकदम परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल हिलेगा नहीं। और उस पर अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट का वेट रहता है दिया हुआ तो उतना आप इजीली उस पर ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये हाल होता है। और मुझे उसी बात का डर था कि इधर से ना निकले क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है, और सेम हुआ। अभी ये क्रैक कैसे गया मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है। अचानक चलते चलते आवाज़ आने लगा और जब मैं ये देख रहा हूँ तो ये पंगा था एंड एज यू कैन सी दिस रस्ट पेंटिंग भी निकल रहा है। मेरी बाइक ज़्यादातर टाइम शेड में खड़ी रहती है बट स्टिल ये रस्टिंग पकड़ रहा है, तो डिसअपॉइंटेड विद दिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।